डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे उनकी कहानी, आप बीती उन्हीं की जुबानी। जी हेलो जी, मेरा नाम है राय। मेरे को पेट में दर्द हुआ था जी, जिसका यूएससी कराया गया। यूएससी कराने के बाद पता पड़ा कि गोल ब्लैडर में पथरी है जी, जिसके लिए कुछ लोगों से पता करने के बाद डॉक्टर विजय त्यागी से कंसल्ट किया गया। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, लगता है कि उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं ऑपरेशन के बाद डगमगा सी गई है। उनकी लाइफ के आखिर क्या उनके संग और आपीती भी थी, जानेंगे उनकी पत्नी की उन्हीं की पूरी जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा अरोड़ा है। जी रेखा जी, क्या पूरी घटना हुई है, थोड़ा सा विवरण करिए। घटना ऐसी हुई है कि हमको पेट में दर्द हुआ, हमने सोनोग्राफी करवाई, उसके बाद पथरी डायग्नोस हुई कार्बोरेटर में। हमने डॉक्टर त्यागी को कंसल्ट किया कि कुछ लोगों ने बताया था कि डॉक्टर अच्छे हैं जी। हमने उनको कंसल्ट किया, उन्होंने कहा इसको ऑपरेट करना है। पूरा नाम क्या डॉक्टर का? डॉक्टर ब्रजेश त्यागी जी। कहाँ के हैं ये? ये डॉक्टर उनका सासना गेट पे भी हॉस्पिटल है, और जो रामघाट रोड पे संत विलेज के सामने वहाँ पे भी हॉस्पिटल है हमने। उसके बाद हमने उनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद तो ये ऑपरेशन हमने लेप्रोस्कोपी प्लान किया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि इनकी पथरी बड़ी थी तो वो मेरा सर्जरी करनी पड़ी। उसके बाद जब ये ठीक होने लगे, लेकिन एक पाइप उन्होंने घर डिस्चार्ज करते समय उसी में छोड़ दिया कि ये जो है हम 1.5 महीने बाद निकालेंगे जी। 15 दिन बाद बुलाया उन्होंने हमें। 15 दिन बाद हम गए तो उन्होंने कोरोनोग्राम कर वो ट्यूब को निकलवा दिया। ट्यूब को निकलवाने के बाद इनकी हालत और ज़्यादा गिरती गई, और उसके बाद जो है उसमें पेट भी काफ़ी फूलता गया, और हमने फिर इनका यूएसजी कराया। यूएसजी कराने के बाद पता चला कि उसमें फ्लूड है। हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, बताया कि इसमें फ्लूड है, तो बोले कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है, ये मेरा मॉडरेट सा है, मैं इसको दवाओं से सुखा दूंगा, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूँगा। ऐसे में उन्होंने कुछ और टेस्ट कराए जिससे इनका जो है एल्केलाइन फॉस्फेट बढ़ाया हुआ आया। मेरी दीदी चूँकि डॉक्टर हैं तो उन्होंने बताया कि एल्केलाइन फॉस्फेट उन लोगों का बड़ा होता है जिनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस हुआ होता है। उसको हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर साबित हैं, उनको बुलाया। उन्होंने कहा ऐसे पेशेंट्स को मैं रोज़ देखता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने 10 दिन का दवाई का कोर्स और लिख दिया। वो दवाई लिफ्ट 52 वगैरह थी, वो हमने दे और 10 दिन के बाद टेस्ट रिपीट कराने के लिए बोला। हमने वो दवा कराई उनको, लेकिन ज़्यादा हमें सब्र नहीं हुआ तो हमने 6 दिन बाद ही टेस्ट को रिपीट करा लिया, तो वो एल्केलाइन फॉस्फेट डबल हो गया जस्ट। तो हमारी घबराहट बढ़ गई। इनके हॉस्पिटल में फ़ोन करने पर पता पड़ा कि ये नहीं है, कोई और डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनकी जगह जूनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। हम फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने CT स्कैन करवाया। CT स्कैन में CBD स्टेटस करके उनके पास दिखाने के लिए गए तो बोले उसमें फ्लूड बहुत है, करीब 3-4 लीटर फ्लूड है, और ये किसी ट्यूब जल्दी निकालने की वजह से ये सब जो है शरीर में फैल गया है। उसके बाद उन्होंने हमें पिटनेल प्रोसेस के लिए कहा और ERCP के लिए रिकमेंड किया मेरठ के लिए। लेकिन इतने ज़्यादा घबराने के बाद हालत ऐसी हो गई थी कि किसी और डॉक्टर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम अपने रिलेशन में जो मेरी दीदी हैं उनके सलाह पे हम उनके पास ही सूरत उनको ले गए। सूरत जाने के बाद उनका इमरजेंसी में लेप्रो करना पड़ा। लेप्रो करने के बाद करीब 4.5 लीटर उसमें से फ्लूड निकला, और उसके बाद उनकी ERCP कराई। रात भर उनको वेंटिलेटर पर रखा और ICU में 2 दिन तक वो रहे। 2 दिन में हालत बहुत मेरी ख़राब हो गई। तीसरे दिन वो शिफ्ट हुए और जो है मतलब फिर धीरे धीरे अब थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं, ऐसा हुआ। और जबकि हमने डॉक्टर को बार बार बताया था कि डॉक्टर साहब इनको आप देख लो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बहुत लाइटली इस चीज़ को लिया, और उससे मेरे हस्बैंड की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। और बस ये सब कहानी रही इनके साथ, और जो हमें झेलना पड़ा। फ्लाइट से हम लोग गए, फ्लाइट से हम लोग लौटे, तमाम खर्चा भी हुआ, और जो है मेंटल डिस्टर्बेंस डिप्रेशन वगैरह जो रहा तो बहुत ज़्यादा जो है दुख हमने झेला है। बस ये बयां करती है कि कितनी परेशानी उस डॉक्टर के ज़रिए हुई। अगर डॉक्टर सुन लेता तो शायद ये आंखें नम ना होती, चेहरे पे मुस्कान होती। और भी हमारे साथ इनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर पूरी घटना और किस रूप में हुई। जी क्या नाम है आपका?
जी तरुण जी जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ विश्वास लेके जाते हैं कि मतलब हम ठीक होंगे, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं शुरू से ही ये सोचती रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है जी। पर बस मैं इतना ही कहूँगी, पर ईश्वर तो है जी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ईश्वर तो हमें तो चलो जो होना था जो बर्दाश्त करना पड़ा हमने किया, पर ईश्वर ने सही टाइम पे हमें सही रास्ता दिखाया और हम सही हाथों में पहुँच गए। परंतु उस डॉक्टर को हम कभी मतलब कभी माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जब ऐसी घटनाएं किसी के साथ होती हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें ही हमारे साथ होती हैं कि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे या नहीं होंगे या क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।